नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोध जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना एटीएम कार्ड के फोन पे कैसे चलाना है। जी हां दोस्तों, लाइव इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, आपके पास बैंक खाता है, तो आप बहुत आसान तरीका से फोन पे चला सकते हैं, बहुत ईजी तरीका से। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे बिना एटीएम कार्ड के फोन पे चला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारा बैंक में ये फैसिलिटी आ चुका है कि आप बिना एटीएम कार्ड के फोन पे चला सकते हैं। तो आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक खाता होना चाहिए। ये दो चीज़ों के माध्यम से आप जो है फोन पे चला सकते हैं बहुत आसान तरीका से। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि बिना एटीएम के, बिना डेबिट कार्ड के फोन पे भी चलता है। तो दोस्तों ये 100% रियल बात है और ये सत्य है कि बिना एटीएम के फोन पे चलता है। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और आपको यही तरीका हम बताएंगे कि आप कैसे चलाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाए हैं। आप लोग बार बार यूट्यूब में सर्च करते हैं कि फोन पे बिना एटीएम से कैसे चलेगा, तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको ये वीडियो में रियल जानकारी मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और कैसे एक्टिवेट होता है आपको 100% जानकारी देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा दीजिएगा, इसके लिए पैसा नहीं लगता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बिना एटीएम के फ़ोन पे चलेगा। सो फाइनली गाइज, हम मोबाइल स्क्रीन ऑन कर लिए हैं और यहाँ पे हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको भीम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, भीम ऐप, ठीक है। तो जैसे आप भीम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद आप ओपन कीजिएगा। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन का काम सबसे पहले आप कर लीजिएगा। जो भी बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक है आप लॉगिन वाला काम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बैंक है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है बहुत सारे बैंक में ऐसा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपको बैंक का नाम आपको टाइप कर देना, इस तरीके से बैंक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है लिंक करने का, आपको यहाँ पर जो है ये बैंक आ जाएगा, ये बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप बैंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड। तो दोस्तों हमने आपको बोला था कि बिना डेबिट कार्ड यानी कि बिना एटीएम कार्ड के, तो ये वीडियो है बिना एटीएम कार्ड और आधार कार्ड वाला के लिए, ठीक है। ये है ऑप्शन आधार कार्ड वाला। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, ये वीडियो 100% रियल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बैंक में नहीं आता है दोस्तों, SBI बैंक में ये फैसिलिटी नहीं आया है, मैं बोल देता हूँ SBI बैंक में ये फैसिलिटी नहीं आया है, उसके बाद बहुत सारे बैंक में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेड पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 6 डिजिट आधार नंबर, मतलब आधार कार्ड का जो है पहला 6 अंक आपको देना है, ठीक है। आधार नंबर 12 अंक का आधार नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको 6 अंक देना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये वेरीफाई होगा एंड आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे OTP आएगा, OTP दे देना है। OTP आ चुका है, आप देख सकते हैं। OTP देने के बाद दोस्तों चलिए हम OTP टाइप कर लेते हैं। OTP टाइप करने के बाद आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। उसके बाद आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, मतलब जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी OTP आएगा, जो बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी OTP आएगा, यानी कि दोनों नंबर पे OTP आएगा। तो सबसे पहले आपको आधार OTP देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको आधार OTP देना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक OTP देना है। तो चलिए OTP दे के हम यहाँ पर पिन क्रिएट कर लेते हैं 6 अंक का, ठीक है। तो ये तो मेरा पिन हो बन गया, चलिए बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारा UPI पिन बन चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे हम बैंक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं UPI पिन सेट हो चुका है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद जो है अब आपको फ़ोन पे चलाना है, ठीक है। तो हम फ़ोन पे हम ओपन कर लेते हैं, हमारे पास फ़ोन पे है, यहाँ पे ड्यूल करके हम चला रहे हैं, ये वाला है, ठीक है। फ़ोन पे हम ओपन करेंगे मोबाइल नंबर से, यहाँ पर भी हमें सेम लॉगिन कर लेना है अपने नंबर से,
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लॉगिन कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुका है हमारा। अब लॉगिन हो गया हमारा मोबाइल नंबर से, उसके बाद लॉक वगैरह सेट करना है तो आप कर लीजिएगा लॉक सेट, ठीक है। अब देखिए मोबाइल नंबर से हमने लॉगिन कर लिए हैं आपके सामने, और बिना डेबिट कार्ड के मतलब आधार कार्ड से ये लाइव चला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन चेक बैलेंस, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऐड बैंक अकाउंट, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे कर लिए हैं और ये वेरीफाई होगा, ठीक है, और ये लिंक हो चुका है, और यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम जो है भीम ऐप से यूपीआई पिन नहीं बनाते भीम ऐप से, तो यहाँ पे जो है पिन हमको बनाना पड़ता, लेकिन हम तो पहले ही पिन बना चुके हैं भीम ऐप से, तो आपको एक ही बार कोई भी बैंक का पिन बनता है, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन में वही पिन आपका काम करेगा, पेटीएम में, गूगल पे में, फ़ोन पे में, उसके बाद भारत पे में, किसी भी चीज़ की मतलब डिजिटल आप चलाएंगे तो आपका वही पिन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिए, देखिए हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, और सेम उसी पिन डाल के आप जो यहाँ पे बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है बैंक बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, एंड आप गूगल पे फ़ोन पे चला सकते हैं यही आइडिया से, बिना एटीएम कार्ड और आधार कार्ड से। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा है आप बताइएगा, आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट है आप ये भी बताइएगा।